डॉक्टर कुमारी सरोज, फिलॉसफी डिपार्टमेंट, जमनी लाल कॉलेज, हाजीपुर। मैं आज छात्रों को सिंबॉलिक लॉजिक में युक्तियों का स्वरूप का वर्णन पढ़ा रही हूँ। अनुमान करना एक कला है जिससे एक या उससे अधिक तर्कवाक्यों के आधार पर किसी तर्कवाक्य का विधान किया जाता है। तर्कशास्त्र का संबंध अनुमान की क्रिया से ही नहीं अपितु उन तर्कवाक्यों से है जो उस क्रिया के आरंभ बिंदु तथा परिणाम है और उन तर्कवाक्यों के बीच जो संबंध होते हैं उनसे। यदि मेरा प्रकथन यह हो कि सभी चित्रकार कलाकार होते हैं, रहीम चित्रकार है अतः रहीम कलाकार है, तो इसे अनुमान करना या तर्कना कहा जाएगा। मेरे अनुमान करने में कौन सी मानसिक क्रियाएं हुई इससे तर्कशास्त्र का कोई संबंध नहीं है। तर्कशास्त्र का संबंध इससे है कि एक, दो या तीन का स्वरूप क्या है और उसमें क्या संबंध है। अब प्रश्न है कि प्रकथन क्या है और तर्कवाक्य किसे कहते हैं। जो किसी के द्वारा किसी के विषय में कहा जाए वही प्रकथन है। सभी चित्रकार कलाकार हैं में चित्रकार के विषय में कहा गया है, यह एक प्रकथन है। प्रकथन का अर्थ या तो जो कहा गया उससे है या कुछ कहने में जो शब्द द्वारा व्यक्त हुआ उससे। इसलिए प्रकथन शब्द का प्रयोग दोनों अर्थों में हो सकता है। पहला, जो कहा गया वह प्रकथन है। दूसरा, जो कहा गया उसका शाब्दिक रूप प्रकथन है। तर्कवाक वह है जो कहा गया है, अतः पहले अर्थ में तर्कवाक और प्रकथन समानार्थक है। यहाँ कहा गया है कि रहीम चित्रकार है, यह एक प्रकथन है और तर्कवाक भी। तर्कवाक सत्य या असत्य होते हैं। इसी विशेषता के कारण तर्कवाक प्रश्नों, आदेशों तथा विषमों से भिन्न होते हैं। क्या आप जा रहे हैं एक प्रश्न है, इसके संबंध में सत्ता या असत्ता का प्रश्न नहीं उठता। मुझे एक गिलास पानी दें, यह एक आदेश है, इसके साथ भी सत्ता असत्ता का प्रश्न नहीं होता। वहीं हमारे विस्मय के शब्द हैं, जैसे ओह नीच तुम, पर मोहन कॉलेज में पढ़ता है प्रकथन है, यह सत्य हो सकता है या असत्य भी। व्याकरण की दृष्टि से मोहन कॉलेज में पढ़ता है विधिवाचक है, ऐसे वाक्यों से कोई सूचना मिलती है, इसलिए उन्हें सूचनार्थक भी कहा जाता है। सूचनार्थक वाक्य में कोई प्रकथन होता है वे ही तर्कवाक हैं। सूचनार्थक वाक्य और तर्कवाक में अंतर यह है कि सूचनार्थक या विधिवाचक वाक्य किसी भाषा विशेष के अंग हैं, उस भाषा के जिसमें वे लिखे या बोले जाते हैं। पर तर्कवाक किसी भाषा विशेष के अंग नहीं होते। उदाहरण, आई हैव ए डॉग, मुझे एक कुत्ता है, पहला अंग्रेजी भाषा के एक सूचनार्थक वाक्य है पर दूसरा हिंदी भाषा का, पर दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों में एक ही बात कही गई है कि मेरे पास एक कुत्ता है। दोनों वाक्यों का जो अर्थ है वही तर्कवाक है, इसलिए भाषा की भिन्नता से तर्कवाक में कोई अंतर नहीं होता। तर्कवाक और सूचनार्थक वाक में दूसरा अंतर यह है कि एक ही सूचनार्थक वाक के भिन्न प्रसंगों में भिन्न अर्थ हो सकते हैं। जैसे यह रुमाल बहुत मूल्यवान है, ऐसा तब कहा जा सकता है जब दाम की दृष्टि से मूल अन्य रुमालों की अपेक्षा अधिक हो, या तब जब किसी प्रेमिका ने इसे दिया हो, या जब मरे हुए आत्मीयता का चिन्ह हो। इसलिए एक ही सूचनार्थक वाक कई अर्थ अर्थात तर्कवाक्यों को व्यक्त कर सकता है और एक ही तर्कवाक कई सूचनार्थक वाक्यों को द्वारा व्यक्त हो सकता है। जैसे आई हैव ए डॉग, आई पोसेस ए डॉग, मुझे एक कुत्ता है, मैं एक कुत्ते का स्वामी हूँ। सभी एक ही तर्कवाक को व्यक्त करते हैं, मुझे एक कुत्ता है, जो संबंध तर्कवाक और सूचनार्थक वाक्यों में है वही संबंध प्रकथन और सूचनात्मक वाक्यों में है। तर्कवाक ही घटक है अनुमान के। प्रत्येक संभव अनुमान के अनुरूप एक युक्ति होती है। तर्कशास्त्र का संबंध युक्तियों से है। तर्कवाक या प्रकथनों के वैसे समूह या वर्ग को युक्ति कहा जाता है
जिसमें कोई अन तर्कवाक्यों से निष्पादित होता है। जिन तर्कवाक्यों से वह तर्कवाक निष्पादित होता है वे उसकी सत्ता का आधार होते हैं। अतः युक्ति वैसे तर्कवाक्यों का समूह या विन्यास है जिसके एक तर्कवाक को उसके अन्य तर्कवाक्यों के साक्ष्य पर स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे सभी बाघ खतरनाक होते हैं, यह पशु बाघ है अतः यह खतरनाक है। एक दो और तीन मिलकर एक युक्ति है। ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। एक तीन को एक और दो से निष्पादित किया गया है। एक और दो साक्ष्य है तीन के। थैंक यू।